देश सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, ये पूरा जो मैटर है, हालांकि बाजार बहुत खास तौर पे ये फेड की कमेंट्री पे जोर डालेगा, लेकिन आपने तो बहुत लंबे समय से साइकिल्स देखे हैं बाजार के, ये कितनी बड़ी फैक्टर है? इवन अगर हम 6 से 12 महीने की मार्केट रिटर्न की बात करें, ये टेपरिंग कितना बड़ा फैक्टर है जो इन्वेस्टर्स को कितना अटेंशन इसको देना चाहिए? देखिए, टेपरिंग से 3 क्षेत्र में आपको असर नॉर्मली होता है। एक पहली चीज होती है करेंसी के ऊपर, और दूसरी होती है डेट मार्केट बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर, और तीसरी होती है इक्विटी मार्केट्स के ऊपर, राइट? तो इसमें इस बार करेंसी के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मार्केट ने थोड़ा एंटिसिपेट कर लिया था इसको, और सेकेंड अपना जो फॉरेक्स रिजर्व्स का बैलेंस है इंडिया का बहुत मजबूत है। जो पिछली बार 2013 में टेपरिंग हुआ था, तब हमारे पास खाली 1 महीने का इंपोर्ट का कवर था, आज 14 महीने का इंपोर्ट का कवर है। तो करेंसी पे मैं ज्यादा इफेक्ट नहीं देख रहा हूँ। बॉन्ड मार्केट्स ने देखा तो फेड की जो कमेंट्री थी पिछले 3-4 महीनों से, और टेपरिंग के संबंधित या इंटरेस्ट रेट हाइक के संबंधित, जो फेड कह रही थी कि ये इन्फ्लेशन टेम्पररी है, ट्रांसिएंट है, ऐसे शब्द यूज कर रहे थे, मार्केट ने कभी बिलीव नहीं किया, बॉन्ड मार्केट ने। तो इंटरेस्ट रेट्स अब देखिए सीधे उसको कैप करके होते, तो बॉन्ड मार्केट में भी मैं उतना असर उतना नहीं देख रहा हूँ। मगर इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि लिक्विडिटी, क्योंकि टेपरिंग अगर जल्दी कर दे वो लोग, तो क्या होता है कि जो हेज फंड्स और जो उधर पे लिक्विडिटी पे डिपेंड करते हैं कि बोरो करके हम निवेश करें, वहां पे थोड़ा झटका लग सकता है। तो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी जरूर बन सकती है, पर कॉन्ट्ररी टू दैट, ओमिक्रॉन के कारण अब क्या है कि एक्चुअली टेपरिंग को एडवांस नहीं करेंगे तो डिले करेंगे, तो मार्केट सेलिब्रेट करेगी उसको। तो ये शॉर्ट टर्म में ये न्यूज फ्लो बहुत इंपैक्टफुल है, मगर लॉन्गर टर्म में जो भी करेक्शन इसके कारण आता है ना, मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रेकमेंड करूंगा। बिकॉज टेपरिंग अगर आगे बढ़ा रहे तो समझिए कि इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का कारण है डिमांड साइड इन्फ्लेशन, और डिमांड साइड इन्फ्लेशन का कारण होगा वापसी ऑफ ग्रोथ इन द यूएस। यूएस की ग्रोथ की वापसी सब देशों के, इमर्जिंग मार्केट देशों के इकोनॉमीज के लिए अच्छा एक खबर है, और इंडिया को भी। आपने देखा एक्सपोर्ट्स भी कितना राइज हुआ, पीएलआई स्कीम भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरे ख्याल में ये शॉर्ट टर्म ब्लिप हो सकता है अगर उन्होंने टेपरिंग को एडवांस किया, मगर वो एक अच्छा मौका है टू बाय ऑन डिप्स, बिकॉज लॉन्ग टर्म में यही सही मौका है वेल्थ क्रिएशन के लिए। एक और व्यू आपका ओमिक्रॉन को भी मैटर को काफी अभी टाइम हो गया है स्प्रेड होते, इट इज वेरी वाइडली रिपोर्टेड, आपकी खुद की रीडिंग क्या कहती है? आपने भी हर तरफ से इसके इनपुट्स को एनालाइज किया होगा, क्योंकि अब तो 7-8 स्टेट्स में आ गए हैं इसके, काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, बाजार को इससे घबराने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखिए खबर जो आ रही है कि ये ज्यादा तेजी से फैलता है, मगर उसका इम्पैक्ट माइल्ड ही रहता है। यानी समझे कि कुछ 4-5 दिन के लिए आपको कुछ फीवर शिवर होगा, हॉस्पिटलाइजेशन या मौत का डर उतना नहीं है ओमिक्रॉन से जितना डेल्टा और उसके पहले वाले वेरिएंट से हुआ था, वो एक चीज। सेकंड, अगर ऐसी हालत है तो शायद लोग 2 हफ्ते का छुट्टी ले लेंगे काम से, मगर कोई लॉकडाउन या ऐसे कोई भयंकर इकोनॉमिक इंपैक्ट वाला एक्शन, ये मेडिकली शायद हजारों लोगों को इम्पैक्ट होगा, मगर एक सीवियर फॉर्म ऑफ कोल्ड या इन्फ्लुएंजा मैं कहूंगा, एंड नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग और हॉस्पिटलाइजेशन वाला डिजीज। तो लॉकडाउन या ऐसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट का कोई मैं गुंजाइश नहीं देख रहा हूँ, तो इसलिए मार्केट भी इसको थोड़ा अब्सॉर्ब करते हुए एक लॉन्गर टर्म व्यू में जाएगी, यही मेरी होप है। सुनील जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आज आपने 1800 देश को समय दिया। आप जहाँ पे बैठे हैं ना, जस्ट आपके पीछे जैसे हाथियों को जो डेकोरेट करते हैं वो लगा हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है वो। अच्छा सुनील जी, एक चीज़ मेरे को पता करनी थी, कल मधु कोयला का एक इंटरव्यू था, हमारे जो 1800 देश के मैनेजिंग एडिटर हैं निकुंज डालमे ने उनका इंटरव्यू लिया, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि इस साल लोगों को ये समझना चाहिए जो पिछले साल के बड़े बड़े प्रॉफिट्स हुए हैं, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ रहें, शायद 2022 उतने बड़े प्रॉफिट्स ना दिखाए जितने हम पिछले देख के आए हैं। एक बार आपका व्यू पॉइंट क्या है इसको लेकर? आप भी यही मानते हैं कि 2022 जो नया साल आने वाला है उसको हम पिछले साल से कंपेयर ना करें, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी और डेस्टिनी दोनों वाला गेम बहुत ज्यादा था? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, जो मधु केला जी की बात है वो मैं सहमत हूँ, बट मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि एंटिसिपेशन उतना नहीं होना चाहिए, बट फिर भी इक्विटीज बेस्ट एसेट क्लास होगी देश के अंदर।
चाहे बैंक डिपॉजिट को कंपेयर करें, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, एनएससी को कंपेयर, किसी के पास दो चीज है इसके पीछे। एक ये चीज है कि इंटरेस्ट रेट इतने कम हो गए हैं फिक्स्ड इनकम सिनेरियो में इन टर्म्स ऑफ बैंक डिपॉजिट, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर देखें, अगर इक्विटी ने समझिए कि खाली लो डबल डिजिट रिटर्न दे दिया, मैं मानता हूं कि 12% लीजिए, राइट, जो पिछले साल के माफिक ऑब्वियसली कम है, मगर 12% पोस्ट टैक्स आपको फिर भी 10% से ज्यादा है, 10% ही इक्विटी में टैक्सेशन है लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म भी 15% ही टैक्सेशन है। व्हेयरएज बैंक के डिपॉजिट रेट्स आज के 5.5-6 के लेवल पे है, पोस्ट टैक्स आपको 4-4.5 मिल रहा है, यानी आपको इक्विटी मार्केट से अभी भी दुगना रिटर्न। वन सेकेंड इज लोगों के हाथ में लिक्विडिटी, देखिए दो लॉकडाउन हुई फिर भी क्या है कि एक लो एंड बॉटम ऑफ द पिरामिड जो माइग्रेंट क्लास है वहां पे थोड़ा एम्प्लॉयमेंट का असर पड़ा, मगर एक्चुअली मिडिल इनकम एंड हाई इनकम ब्रैकेट में जो जॉब लॉसेस, इनफैक्ट आईटी सेक्टर में आज शॉर्टेज है एम्प्लॉयमेंट की, तो लोगों के पास पैसा है, इसलिए आपने डीमैट अकाउंट पे इतना नए अकाउंट्स खुले, मार्केट में इतना सपोर्ट मिला, तो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। तो दो चीज है, किसी के पास पीना जो कहते हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इक्विटीज थ्रू आइदर डायरेक्ट और थ्रू म्यूचुअल फंड, तो वो लिक्विडिटी सपोर्ट जो आएगी, तो अगर टेपरिंग कुछ हुआ और एफआईएस ने करेक्शन विड्रॉ किया हो, थोड़ा करेक्शन हुआ, तो बाइंग कैपेसिटी इंडियन इकोनॉमी में है, इसलिए मैं ज्यादा वॉलेटिलिटी उतना नहीं देख रहा हूं। एट द सेम टाइम मेरे को एक हाई सिंगल डिजिट लो डबल डिजिट रिटर्न की आशा रख सकते हैं, और वो फिर भी जैसे मैंने पहले कहा इन्फ्लेशन बीटिंग और बेस्ट रिटर्न अमंग वेरियस एसेट क्लासेस होगा। ऑलराइट सुनील मॉर्निंग, आपसे एक और चीज राय जानना चाहेंगे, न्यूली लिस्टेड आईपीओस पर, स्पेशली फिनटेक आईपीओस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेटीएम इन स्पेसिफिक, पॉलिसी बाजार की भी बात होगी यहाँ, लेकिन पेटीएम का क्योंकि आज एंकर लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है और हम देख रहे हैं कि स्टॉक पर अच्छा खासा डंट भी है, ये एंटिसिपेटेड था, हमने ये नायका के केस में भी देखा, आपको लगता है क्योंकि जब ये लिस्ट होना था उस वक्त कई सारी वॉइसेस इस तरह की थी, कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है, बहुत महंगा है, जिसके चलते वो इनिशियली इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते एंड अंटिल द बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, अब आपको लगता है कि वैल्यूएशन थोड़ी फेयर है, आज भी आप देखिए अच्छी खासी करेक्शन है, क्या यहाँ आप एडवाइस करेंगे पोर्टफोलियो में सलाह ऐड करने की लॉन्ग टर्म के लिए इन लेवल्स पर? देखिए फिनटेक में ना आप वैल्यूएशन पुराने जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो डीसीएफ मॉडल से या एक नॉर्मल पी मॉडल से नहीं कर सकते हैं, तो वैल्यूएशन सही या गलत ये खाली आपको लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी डिसाइड करता है। जब पेटीएम के पहले की बात है तब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी, तो सभी आईपीओ पे भरपूर एक सब्सक्रिप्शन और वैल्यूएशन भी बहुत, यानी प्राइसेस बहुत महंगे हो गए थे पेटीएम के टाइम के शुरू होते ही, आपने देखा थोड़ा करेक्शन बिकॉज वो लिक्विडिटी ड्रिवन है, जैसे ही एफपीआई ने थोड़ा एलोकेशन इंडिया से हटाना शुरू किया था पिछले 2-3 महीने में, आपने देखा ये आईपीओ के भी उसका असर रहा, तो ये सब एक लॉन्ग गेम है कि फ्यूचर में आज भले ही प्रॉफिट ना दिखाए वो, बट फ्यूचर एक्सपेंशन जितना हो सकता है उनके बिजनेस मॉडल में उसके ऊपर, तो एक तरह का मैं कहूंगा कि पी ग्रोथ पी जी रेशियो के ऊपर ये चल रहा था, मगर अगर लिक्विडिटी नहीं है तो असर पहला इनके ऊपर दिखेगा, तो मेरे ख्याल में अभी करेक्शंस हुआ है तो क्या सही वक्त है खरीदने के लिए ये अभी नहीं कह सकते हम, क्योंकि क्या लिक्विडिटी, आज फेड की पॉलिसी है, फिर आने वाले दिन में भी न्यूज फ्लोज आएंगे, तो लिक्विडिटी की आउटलुक, अगर लिक्विडिटी आपको अच्छी रहने वाली है तो ये करेक्शन शायद एक अच्छी बाइंग ऑपर्चुनिटी बन सकती है, मगर अगर लिक्विडिटी और भी वॉलेटाइल होने लगे तो यहाँ ही पे असर मिलेगा, तो आपको और इससे भी बेहतर खरीदने का मौका फ्यूचर में मिल सकता है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच मैं कहूंगा एक चीज, और दूसरी मैं कहूंगा कि अगर फिनटेक में प्ले करना है तो आप डाइवर्सिफाई कीजिए, एक या दो कंपनी में खाली मत निवेश कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए, क्योंकि इस फील्ड में एक विनर टेक्स ऑल की स्थिति होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बन जाएगा तो छोटे वालों को खा जाएगा और खाली एक ही सर्वाइवर, पर कौन होगा वो सर्वाइवर ये हमें आज कहने की एक व्यू नहीं है, तो एक डाइवर्सिफाई करेंगे ओवर द फिनटेक स्पेस और लिक्विडिटी को हाथ में रखते हुए आप डिसीजन लीजिए कि ये करेक्शन में मैं खरीदूंगा नहीं, पर प्योर डीसीएफ वैल्यूएशन मॉडल कई साल लगेंगे यहाँ पे वो अप्लाई होने में, क्योंकि उनकी एक बर्निंग कैश मॉडल अभी चल रही है, तो लॉसेस जितने बढ़ते हैं उतना वो बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट उसको पसंद करती है, तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो नॉर्मल फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं बैठती है। सुनील सर, आपने थेमेटिक
थीम के बादशाह माने जाते हैं मार्केट्स में, कि अगर किसी को थेमेटिक फंड्स को चुनने हो तो सीधा सुब्रमण्यम जी के पास चले जाइए या फिर सुंदरम म्यूचुअल फंड्स, क्या आप थेमेटिक कुछ भी ढूंढ लीजिए, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो आने वाली थीम्स क्या हैं जिस पे आप बहुत बुलिश है और जिस पे आप सीधा सीधा मैसेज ये देना चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर लो, अच्छे पैसे बनेंगे थेमेटिक फंड? सर, तीन थीम्स मेरे को अच्छे लगते हैं। एक है सर्विसेज थीम। ठीक है, सर्विसेज में क्या हो रहा है, ये जो फिनटेक आईपीओस ये सब आ रहे हैं ना, ये सब सर्विसेज के अंदर शामिल होते हैं। और सर्विसेज में खास करके एक बुलिश व्यू का कारण यह है कि ओवरऑल इकोनॉमी में अगर देखें 54% जीडीपी में सर्विसेज का हिस्सा है, मगर स्टॉक मार्केट के अंदर 36% ही उसका शेयर है, यानी 18% का गैप है बिटवीन इकोनॉमी एंड मार्केट। कारण क्या था, क्योंकि ज्यादातर सर्विसेज कंपनी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे, मगर पोस्ट डिमोन, पोस्ट जीएसटी, पोस्ट ये सब फ्रेम में आप सब वो फॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहे हैं और अब स्टॉक मार्केट में निवेश होने के कायम हो गए हैं, तो अभी स्टॉक मार्केट में भी उनकी लिस्टिंग आ रही है, बढ़ रही है। तो ये स्पेस एक्सपेंशन के लिए बहुत एक 50% प्लस उसका गैप को फिल करने के लिए अगले 2-3 साल में एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है। और मैन्युफैक्चरिंग की रिवाइवल के पीछे सर्विसेज का हाथ होता है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग जॉब अगर क्रिएट होता है तो करीबन 1.8 सर्विसेज सेक्टर में उसको सपोर्ट करने के लिए जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो मेरा सबसे पहला पिक होगा ब्रॉड सर्विसेज थीम। सेकेंड थीम जो होगा आज इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रा में खाली आप गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर मत देखिए, इंफ्रा माने फुल रेंज ऑफ कैपिटल गुड्स, ऑफ सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। अब पीएलआई स्कीम भी आ गया, वो कारखाने लगने हैं तो उनके लिए भी सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, हाउसिंग भी बूम में है, इंटरेस्ट रेट्स ऑल टाइम लो में हाउसिंग लोन के लिए, तो एक स्ट्रक्चरल इंफ्रा साइकिल शुरू हो रहा है अगले 5-7 ईयर्स। सो डेफिनेटली मैं इंफ्रा एस ए सेक्टर आज एक गुड पिक कहूंगा एलोकेशन के लिए। और तीसरा सेक्टर मेरे को अभी भी कॉन्फिडेंस है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को कोविड में जितना डर था उससे कम निकला एनपीए का, उन्होंने प्रोविजन ज्यादा कर लिए थे तो प्रोविजन का राइट बैक करके उनकी प्रॉफिट बूस्ट हो सकती है। सेकंड, लो कॉस्ट ऑफ फंड्स जो आरबीआई ने उनको दिलवाया है उससे अभी जो कॉर्पोरेट में लेंडिंग की वापसी शुरू हो रही है उसमें बैंक्स का बहुत बड़ा हाथ होगा। और फाइनली बैंक्स ने ये कोविड के टाइम फ्रेम में अपने टीयर वन कैपिटल और ये सब कैपिटल रेजिंग अच्छा करके सबने बैलेंस शीट्स को मजबूत कर लिया है, तो गुड क्वालिटी बैंक, सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को भी मैं एक अच्छा पिक समझता हूँ। सो दिस विल बी माय 3 पिक्स, ओवरऑल ब्रॉड सर्विसेज थीम, इंफ्रा और बैंकिंग। तो ये ब्रॉडर थीम्स तो आपने बताई सुनील, क्या आप इन थीम्स पर भी रिसर्च कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, कल एक रिपोर्ट भी थी जिसमें मैक्रो फ्रंट पे भी कई सारी बड़ी ग्लोबल फंड कंपनीज हैं, फंड हाउसेज हैं, वो ऐसे फोकस कर रहे हैं उन स्टॉक्स पर, उन कंपनीज पर फोकस ग्लोबली ज्यादा करिए जिनका क्लीन एनर्जी पर फोकस ज्यादा है। आपको ये थीम पसंद आती है? हाँ बिल्कुल पसंद आती है, कुछ ESG फंड्स भी लॉन्च हुए हैं इसके ऊपर, बट मेरे ख्याल में अभी ऐसे स्टॉक्स को चुन के एक डाइवर्सिफाइड फंड में चुन के वहां पे लगाना बेहतर होगा रादर देन फुल्ली डिपेंडेंट। क्योंकि क्या होता है, ये जर्नी जो है क्लीन का जर्नी ना, कई पे क्या है कि जैसे रिफॉर्म्स लॉन्च करते हैं तो ऑपोजिशन आता है तो स्लो डाउन होता है, या फिर इंडिया जैसे देश में कोल का इतना, कोयला का कितना रिजर्व्स है तो हम इतनी आसानी से उसको गिव अप करके प्योरली हाइड्रोजन सोलर एनर्जी पे नहीं जा सकते, तो थोड़ा स्लो मूवमेंट होगा। थर्ड, ऑटो सेक्टर में व्हीकल्स की अभी शुरू हो गया है लॉन्चेस, ई स्कूटर्स में बहुत बड़ा डिमांड था, मगर ओवरऑल ऑटो सेगमेंट में एक ही आना, एक 2030 वाला आउटलुक है जो कटकरी जी ने लॉन्च किया है और धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, वेरस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज्यादा प्रोग्रेस हुआ। तो अगर ये थीम को प्ले करना है मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स को चुनूंगा अपने रेगुलर फंड्स में ही, और सेकंड ओवरसीज में ज्यादा अपॉर्चुनिटी होने के कारण मैं ओवरसीज फंड्स में निवेश करूंगा जो कि क्लीन पे फोकस है, बिकॉज मैं इसका स्पीड और तेजी बाहर में ज्यादा देखता हूं, क्योंकि उनको असर बहुत लगा है इसका, वेरस इंडिया को अभी टाइम है इसको कैचअप करने में, थोड़ा समय जरूर है ऐसे कैचअप होने के लिए, लेकिन मैक्रो फ्रंट पे एक बड़ी थीम और आने वाले समय में ऐसी थीम, इस थीम पर बुलिश नजरिया सुनील का भी है और साथ ही कई सारे सेक्टर्स पर उन्होंने बात की। शुक्रिया सुनील आज हमसे बात करने, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम टुडे। सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ आज बात कर रहे थे, अपना व्यू शेयर कर रहे थे सेक्टर्स एंड डिफरेंट थीम्स पर।